Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from thermodynamics. और आपको पता है हमने जो thermodynamics का पहला लेक्चर पढ़ा है, thermodynamics के पहले लेक्चर में हमने systems के बारे में बात की, surroundings के बारे में बात की, फिर हमने types of systems पढ़े जिसमें हमने open system, closed system और isolated system पढ़ा, और साथ ही में हमने boundaries, जो system और surrounding के बीच में जो boundaries होती है, कौन कौन से टाइप्स की बाउंड्रीज होती है वो हमने डिस्कस की. सो आज के इस दूसरे लेक्चर में, जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लेक्चर रहेगा, इसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम होता है उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उसके बारे में हम आज बात करते हैं. यानी कि थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है, इसमें कई जगहों पर आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट काम आएगा. और लेकिन जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, उनके मेन दो टाइप्स होते हैं. सो मैं यहां पे लिखता हूं द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दे आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की. नंबर वन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड नंबर सेकेंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. बहुत बारी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होती है. और दो तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो देख लीजिए बेटा, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे, या सिस्टम में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जितना है उस पे डिपेंड करे, या सिस्टम में हमने कितनी क्वांटिटी ली है एक सबस्टेंस की उस पे डिपेंड करे. तो मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज are those properties which depend upon the amount or quantity of the substance or matter. सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम में कितना हमने अमाउंट लिया है मैटर का उस पर डिपेंड करे. सिस्टम के उन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. वो प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करे, सिस्टम में हमने कितना अमाउंट सबस्टेंस लिया है उस पर डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. आई विल गिव द एग्जाम्पल्स, बट बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल्स आई विल डिस्कस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के अमाउंट पे या सिस्टम की क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड ना करे. सो आई विल राइट डाउन हियर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. दीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम which do not depend on the amount or quantity of substance or matter. सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करते हो, हमने सिस्टम में कितना अमाउंट मैटर लिया है या सिस्टम की कितनी क्वांटिटी ली है, सिस्टम में हमने कितनी क्वांटिटी ली है एक मैटर की, एक सबस्टेंस की, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उस अमाउंट पे डिपेंड करती हो उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. और सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम में हमने कितना अमाउंट लिया है उस पे डिपेंड ना करे या सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उन सॉरी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. देख लीजिए बेटा, मैं इसको पहले रब कर देता हूं. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे,
सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर हमने लिया है उस पर डिपेंड करे, या सिस्टम ने हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस लिया है उस पर डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो देख लीजिए बेटा, आई विल गिव द एग्जाम्पल। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वॉल्यूम जो है सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। एक देख लो, समझो एक चीज, यहां पे मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें मैंने गैस लिया हुआ है, ये गैस लिया हुआ है इसमें, ये एक सिस्टम है, और इसके साइड में मैं दूसरा सिस्टम ले लेता हूं, ये एक और सिस्टम है, इसमें भी मैंने गैस लिया हुआ है, तो ये सिस्टम बड़ा है और ये सिस्टम छोटा है, ठीक है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम देखना होगा और इसका वॉल्यूम देखना होगा, ऑब्वियसली जो इसका वॉल्यूम होगा दैट विल बी लार्ज, और इसका वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी लेस। अब देखो, इस सिस्टम का वॉल्यूम ज्यादा आएगा और इस सिस्टम का वॉल्यूम कम आएगा। ये बड़ा सिस्टम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, और ये छोटा सिस्टम है, इसका वॉल्यूम कम आएगा। यानी कि यहां पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, यहां पे वॉल्यूम कम आ रहा है, क्योंकि यहां पे साइज बड़ा है और यहां पे साइज छोटा है। यानी कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम यहां पे अमाउंट पे डिपेंड करती है। जो सिस्टम बड़ा होगा उसमें अमाउंट भी ज्यादा होगा, और जिसमें अमाउंट ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ये सिस्टम छोटा है, इसमें अमाउंट कम होगा, जब अमाउंट कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। यानी कि कहने का मतलब है, जो ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एक सिस्टम का ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है उस सिस्टम में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कितना है। सो वॉल्यूम जो है ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, या हम कहेंगे सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करता है, सिस्टम में हमने कितना अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिया हुआ है। सो वॉल्यूम जो है ये एक साइज पे डिपेंड करता है, तभी जाके मैंने इसको कहा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लाइकवाइज मास, जो मास है, मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक बड़े सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे सिस्टम में कम मॉलिक्यूल्स होंगे, और बड़े सिस्टम में मॉलिक्यूल्स का मास भी ज्यादा होगा और छोटे सिस्टम में मॉलिक्यूल्स का मास भी कम होगा। सो जो मास है वो भी अमाउंट पे डिपेंड करता है, जिस सिस्टम में ज्यादा अमाउंट होगा उसका मास ज्यादा होगा, जिस सिस्टम का अमाउंट कम होगा उसका मास कम होगा। और ये भी मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी मैं लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ये जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सर ये हीट कैपेसिटी होता क्या है? हीट कैपेसिटी मींस इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर एक मेरे पास ये सिस्टम है, एक बड़ा सिस्टम है, ये छोटा सिस्टम है, मुझे इन दोनों को हीट करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों सिस्टम्स को कितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो, इंक्रीज हो, उसके लिए मुझे इन दोनों सिस्टम्स को कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। अब देख लीजिए, ये सिस्टम बड़ा है, अगर हमें इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना होगा, इसको हमें हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये सिस्टम छोटा है, अगर हमें इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना होगा, इसको हमें कम ही हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम छोटा है। सो हीट कैपेसिटी है क्या? वो वो हीट जो हमें एक सिस्टम को देनी होगी सो दैट उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो सिस्टम जितना बड़ा होगा उसको हमें उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सच दैट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा। सो इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, इसका हीट कैपेसिटी कम होगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो साइज पे डिपेंड करती है। सो आपको समझ आ रहा होगा यहां पे कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी, हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी एक सिस्टम को सो दैट उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। और जो बॉडी जितनी बड़ी होगी उसको उसकी हीट कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, और जो बॉडी छोटी होगी उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, यानी कि हीट कैपेसिटी भी साइज पे डिपेंड करती है। इसको छोड़ के एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स है, एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स है वो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी
एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि अगर आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम बड़ा है, दूसरा सिस्टम छोटा है। एक सिस्टम जो बड़ा होगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल्स जिस सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, या सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। तो हम एनर्जी भी कहेंगे, एनर्जी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड यू नो दैट एनर्जी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हीट, इट कैन बी वर्क। हीट एंड वर्क दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एंट्रोपी, एंट्रोपी इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी, या इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये भी एनर्जी के फॉर्म है, या गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स होंगे, चाहे हम हीट ले, वर्क ले, एंथैल्पी ले, या एंट्रोपी ले, या इंटरनल एनर्जी ले, या गिब्स फ्री एनर्जी ले, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स है वो सारी फॉर्म्स रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये एंथैल्पी जो है ना इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एच। एंट्रोपी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एस, एस। इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ई और यू, एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कब एक सिस्टम की ज्यादा होगी, जब उसमें अमाउंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अमाउंट होगा सिस्टम का उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी है उसके साथ एसोसिएटेड होगी। यानी कि कहने का मतलब है एनर्जी जो है वो सिस्टम के साइज पे, अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी एनर्जी की ही फॉर्म्स है। ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती होगी और ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। अब एक चीज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, या इंटरनल एनर्जी क्या होता है, या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। अभी आप एक चीज याद रखो, मैंने एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, मैंने खाली अभी इतना कहा ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है, अभी आप इतना याद रखो। और ये साथ में ये भी याद रखो कि ये सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमें थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके एंथैल्पी को इन डिटेल पढ़ना है, एंट्रोपी को इन डिटेल पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, आप सिंपली अभी इतना याद रखो कि ये जितनी भी फॉर्म्स है, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये एनर्जी की फॉर्म्स है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और जब हम आगे बढ़ेंगे हम इन टर्म्स को एलोबरेट करेंगे, अच्छे से एलोबरेट करेंगे, हम कैसे एक सिस्टम की एंट्रोपी मालूम कर सकते हैं कि कौन सी सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी और कब एंट्रोपी कम होगी, आगे जाके हमें सब पढ़ना है। लेकिन अभी तक आप याद रखो कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ऑल दीज आर द फॉर्म्स of energy, and energy itself is the extensive property, so are these entropy, enthalpy, internal energy and Gibbs free energy. So हम बात कर रहे थे extensive properties की, वो properties जो कि system के size पे depend करे, या system में हमने कितना amount of matter लिया हुआ है उस पे depend करे, उसमें जो properties आती है मैंने वो यहां पे discuss कर दी है। इसके अलावा और भी properties है तो मैं आगे और examples इस पे दे देता हूं। थोड़ा हम एक्सटेंसिव प्रॉपर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये मैं यहां पे हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं बेटा। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, सिस्टम छोटा हो या बड़ा हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं होता। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बड़े सिस्टम के लिए और छोटे सिस्टम के लिए सेम होता है। मैं समझा देता हूं आपको, इसकी जो एग्जांपल आएगी, सबसे पहली एग्जांपल जो मैं लेता हूं दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं समझाता हूं कैसे। टेम्परेचर जो है ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैं समझाता हूं एक चीज, ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम एक है जो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है,
और सिस्टम में मैंने गैस लिया है, ये सिस्टम एक है, समझो ये हमारा एक रूम है, रूम जिसमें रूम में एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस रूम का या इस सिस्टम का वॉल्यूम है वी, पूरे रूम का या पूरे सिस्टम का वॉल्यूम क्या है वी, एंड इस पूरे सिस्टम का या पूरे रूम का टेम्परेचर है टी, पूरे रूम का वॉल्यूम है वी और टेम्परेचर है इसका टी। अब देखो, अब मैं इस सिस्टम को हाफ करता हूं, इसको मैं बीच में एक बैरियर लगा लेता हूं, एक बाउंड्री लगा लेता हूं, यानी कि मैंने इस रूम के दो हिस्से कर दिए, इस सिस्टम के दो हिस्से कर दिए। बेटा जब आप सिस्टम के दो हिस्से करोगे तो वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा। इस पूरे रूम का वॉल्यूम क्या था वी, और मैंने बीच में दीवार लगा दी, और दीवार लगाने की वजह से रूम के पार्टीशन हो गए और इस सिस्टम के पार्टीशन हो गए, यानी कि इसके वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है अब वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। इस साइड वॉल्यूम क्या होगा वी बाई टू, इस साइड भी वॉल्यूम क्या होगा वी बाई टू। लेकिन ये जो रूम है, रूम का जो टेम्परेचर होगा, पूरे रूम का टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमने बीच में दीवार लगाया, क्या दीवार लगाने की वजह से टेम्परेचर कम होगा, वो हाफ होगा कि सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। टेम्परेचर यहां भी रहेगा टी और यहां भी रहेगा टी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। जो टेम्परेचर पूरे रूम का होगा, फिर जब आप बीच में पार्टीशन लगाओगे दोनों साइड से, टेम्परेचर फिर से वही 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो जो टेम्परेचर है, जब हमने सिस्टम को बीच में बाउंड्री लगा दी, हमने सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम वी के बदले यहां पे आया वी बाय टू, यहां पे भी आया वी बाय टू, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो, दोनों साइड से टेम्परेचर सेम ही होगा। यानी कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर सिस्टम के छोटे करने से काम नहीं होता, टेम्परेचर वही रहता है जो होगा एक बड़े सिस्टम का, वही एक छोटे सिस्टम का ही होगा। या कहने का मतलब यह है, अगर आप एक पूरे रूम का टेम्परेचर देखो वो 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर एक पूरे रूम का देखो, अगर आप किसी छोटी जगह में रूम में जाओगे आप कॉर्नर के पास, कॉर्नर में भी टेम्परेचर वही पे वही होगा छोटी जगह पे, अगर आप रूम के बीच में जाओगे वहां पे भी टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, या रूम के आप हजारों हिस्से करो हर किसी जगह टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कभी चेंज ही नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो स्ट्रम, या क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लाइकवाइज टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रेशर है, प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या इसको छोड़ के डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस दैट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां पे। मैंने कहा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ मैटर या सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज, एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। हम ये कैसे याद कर सकते हैं, हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, समझ लीजिएगा बेटा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आप आसानी से प्रिडिक्ट करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। देख लीजिए, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप डिवाइड करोगे और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करोगे, वो जो वहां पे रेशो निकलेगा, एक नई प्रॉपर्टी निकलेगी, वो नई प्रॉपर्टी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। Whenever any extensive property is divided by extensive property, the ratio of those two extensive properties, that will give you the new property and that property will always be intensive property. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, extensive property divided by extensive property, जो उन दोनों का ratio आएगा वो एक नई property को जन्म देगा, वो property intensive property होगी। मैं आपको दिखाता हूं, जो mass है, mass, what is mass? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास को आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से,
वॉल्यूम से. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो साइज पे डिपेंड करता है. मास भी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है. यानी कि मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. जब आप एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेंसिटी. अब डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, एंड एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव दैट इज इक्वल टू इंटेंसिव. ये जो डेंसिटी है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये चीज आप याद रखिएगा, डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट रेशियो इज ऑलवेज corresponds to an intensive property. ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत important concept है. दो extensive properties का ratio हमेशा intensive property को जन्म देता है. तो यहां पे mass upon volume, extensive upon extensive, that is equal to density. Density will be intensive. क्योंकि हमने कहा extensive property को जब आप extensive property से divide करोगे तो आप intensive property को जन्म देती है. So I will rub this off now. और एक प्रॉपर्टी है, मैं एक चीज आपको बता दूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में यूजुअली वो प्रॉपर्टीज आती है जो कॉन्स्टेंट होती है, और जो भी चीज कॉन्स्टेंट हो वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की और एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज टू इट इज द हीट रिक्वायर्ड नॉट टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ सबस्टेंस या 1 kg ऑफ सबस्टेंस बाई 1 degree Celsius. बेटा अगर हम 1 gram सिस्टम लेते हैं, 1 gram सिस्टम या 1 gram सबस्टेंस, इस 1 gram सिस्टम या 1 gram सबस्टेंस को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट इसका टेम्परेचर 1 degree Celsius से इंक्रीज हो. सो इससे हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो सिस्टम का साइज है वो फिक्स्ड है, 1 gram या 1 kg. इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, 1 gram से ज्यादा भी नहीं ले सकते, 1 kg से ज्यादा भी नहीं ले सकते. यानी कि जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, हम एक पर्टिकुलर साइज की बात करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट की बात करते हैं, 1 gram या 1 kg. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram और 1 kg ऑफ द सबस्टेंस बाय 1 degree Celsius. यानी कि ये वो हीट है जो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को देते हैं जिसका मास डेफिनेट है. जब सिस्टम का मास डेफिनेट है तो एक कॉन्स्टेंट टर्म बन गई. कॉन्स्टेंट टर्म का वैल्यू बड़े सिस्टम या छोटे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिंपली वो कॉन्स्टेंट होता है, और वो कॉन्स्टेंट बड़े सिस्टम या अमाउंट इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा. तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मैंने इससे पहले हीट कैपेसिटी बोला था, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हीट कैपेसिटी वो हीट है जो हम एक बॉडी को देते हैं उसका टेम्परेचर 1 degree Celsius राइज करने के लिए. लेकिन एक बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो हीट कैपेसिटी कम भी लग सकती है, ज्यादा भी लग सकती है. तभी मैंने कहा था हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लेकिन जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम जो बॉडी लेते हैं उसका हम फिक्स्ड मास लेते हैं 1 gram. यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़े या छोटे पर डिपेंड नहीं करता, वो एक हीट है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जिसका मास है 1 gram या 1 kg. तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. या मैं ऐसे लिखा दूं, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू क्यू, दैट इज हीट या एनर्जी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई एम इन टू डेल्टा टी. ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू दैट इज हीट डिवाइडेड बाई एम दैट इज मास इन टू डेल्टा टी. अब अगर कोई आपको याद होगा व्हाट इज क्यू, क्यू इज हीट हियर, हीट इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड डिवाइडेड बाई मास, व्हाट इज मास हियर, मास
मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव दैट इज ऑलवेज इंटेंसिव. तो ये सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम इनटू डेल्टा वी. जो क्यू है वो हीट है. हीट क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. डिवाइडेड बाय एम. एम इज व्हाट? मास. मास इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज मास डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, हीट अपॉन मास, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट विल गिव यू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट मीन सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये आप यहां पे देख रहे हो. नाउ ये सुपेसिफिक हीट, एक तो हमने इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक तो हमने टेम्परेचर बोला. वो टेम्परेचर जो है वो बड़े छोटे पे डिपेंड नहीं करता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है. प्रेशर हमने बोला, डेंसिटी हमने बोला, सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने बोला. सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि एक वो सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करता है. ये वो हीट है जो हम 1 ग्राम ऑफ सिस्टम को देते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस फिक्स्ड है. जब अमाउंट ऑफ द सिस्टम फिक्स्ड है तो ये कभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करे. जितना अमाउंट ज्यादा हो उतना उस प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा. लेकिन सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करते वक्त हम अमाउंट ऑफ सिस्टम फिक्स्ड लेते हैं, या तो 1 ग्राम या तो 1 kg. यानी कि कहने का मतलब ये है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. और एक प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, और एक प्रॉपर्टी लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, और एक एग्जाम्पल दैट इज EMF. EMF, it is called as electromotive force. ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, electromotive force या electrode potential. Electrode potential, electromotive force या electrode potential, या आप 12th में electrode potential electrochemistry में पढ़ोगे, या EMF भी आप electrochemistry में 12th में पढ़ोगे, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. This EMF, electromotive force, it is always equal to एक मिनट रुकिएगा. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वन मिनट. जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सेल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. वन थिंग आई विल राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल कॉन्स्टेंट. Cell constant, electromotive force or electrode potential, it is also called as what? Cell constant. Cell constant. और जब ये चीज constant है, इसका value बड़े system के लिए भी same होगा, छोटे system के लिए भी same होगा. यानी कि electromotive force, electrode potential या जिसे हम cell potential, cell constant कहते हैं, इसका value बड़े system के लिए और छोटे system के लिए same ही होगा. और इसका वैल्यू जब बड़े सिस्टम और छोटे सिस्टम के लिए सेम होगा, यानी कि इसका वैल्यू साइज पे या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी. लाइकवाइज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल, ठीक है, तो ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. या विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी छोटे पानी आप बड़े कंटेनर में ले लो या पानी आप छोटे कंटेनर में ले लो, जो पानी की विस्कोसिटी होगी वो सेम होगी. वो बड़े या छोटे सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है. सो विस्कोसिटी इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी. या इसको छोड़ के सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डिपेंड करता है ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना कि वो डिपेंड करता है आपने पानी कितना लिया है या लिक्विड कितना लिया है, कम लिया है कि ज्यादा लिया है. सरफेस टेंशन आल्सो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है. सो हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखी? एक तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हमने सेल कॉन्स्टेंट भी कहा, और साथ में कंडक्टिविटी इसमें आती है, वेलोसिटी इसमें आती है, और इसमें सरफेस टेंशन आता है. ये सारी वो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है. आप एक चीज करो, आप इसको नोट करो, मैं थोड़ा लाइट का इंतजाम कर देता हूं क्योंकि लाइट चली गई है. आप इसको नोट कर दो तब तक. होप आपने इसको नोट कर दिया होगा.
सो हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती। सो इसको छोड़ के मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, जो आप याद रखोगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर कुछ भी समझना है ये समझ आना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स में यूजुअली आपसे पूछा जाता है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, उन सारे टर्म्स को हम कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो आती है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर कंसंट्रेशन एक्सटेंसिव होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड टू मास, तो मास जितना होगा उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जो सिस्टम जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें मास ज्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन आप सर कह रहे हैं एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज मैं समझाता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन टर्म्स में आता क्या क्या है, एक तो इसमें आता है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मैलिटी या नॉर्मैलिटी। ये जो सारी कंडीशंस है, मोलैरिटी ले लो आप, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या फॉर्मैलिटी या नॉर्मैलिटी, इन सारी टर्म्स को हम कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं समझाता हूं क्यों। देख लो बेटा, जो कंसंट्रेशन टर्म है, मैंने पहली कंसंट्रेशन टर्म ले ली मोलैरिटी। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड टू मास। एक सिस्टम में कितना मास होगा वो सिस्टम डिपेंड करता है कितना बड़ा है। एक सिस्टम जितना बड़ा होगा उसका मास उतना बड़ा होगा, और एक सिस्टम जितना बड़ा है उसमें अमाउंट उतना ज्यादा होगा, और जितना उसमें अमाउंट ज्यादा होगा उतने उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। यानी कि कहने का मतलब जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास की तरह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ मोल्स, एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये डिपेंड करता है सिस्टम कितना बड़ा है। जो सिस्टम जितना बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जो सिस्टम ज्यादा छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू जो है वो बड़े सिस्टम और छोटे सिस्टम पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो मोलैरिटी जो कि एक कंसंट्रेशन टर्म है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, एन अपॉन वी। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वॉल्यूम बड़े सिस्टम के लिए ज्यादा होगा, छोटे सिस्टम के लिए कम होगा। सो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैंने पहले ही कहा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो उन दोनों का रेशियो होगा मोलैरिटी, दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मोलैरिटी क्या होगी, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मोलैरिटी कौन सी टर्म है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। So, यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज मोलैरिटी रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। ये आप हमेशा याद रखिएगा। सो जो मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, फॉर्मैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे आर एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज व्हाट, इंटेंसिव।
अब और एक चीज बताता हूं मैं यहां पे, मैंने एक चीज कहा था एंट्रोपी, एंट्रोपी जो कहा था, या एंथैल्पी जो कहा था, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, या मैंने कहा था गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी टर्म्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी या गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी टर्म्स जो है दे रिप्रेजेंट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. सो एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. व्हाई दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? बिकॉज दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक देखो, ये हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. व्हाई वी से दैट? बिकॉज एनर्जी एक सिस्टम की तब ज्यादा होगी जब उसमें अमाउंट ज्यादा होगा, जब उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एनर्जीज का सम जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और टोटल सिस्टम की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और जो जो सिस्टम छोटा होगा उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम भी कम होगा, टोटल एनर्जी ऐसे छोटे सिस्टम की कम होगी. यानी कि एनर्जी का वैल्यू जो है वो अमाउंट पे, सिस्टम में कितना अमाउंट है उस पे डिपेंड करता है, यानी कि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. और एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होगी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, वो सारी क्या कहलाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक टर्म है मेरे पास, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड मोलर एंथैल्पी. Molar enthalpy. What is enthalpy? Form of energy. That form of energy depends upon the size of system. That is an extensive property. अब मैंने enthalpy की enthalpy के बदले क्या लिया? Molar enthalpy. Sir, molar enthalpy क्या होता है? Molar enthalpy is the enthalpy of one mole of substance. One mole of substance की total enthalpy कितनी होगी? वो कहलाती है molar enthalpy. So molar enthalpy is equal to what? Enthalpy per mole of the substance. Enthalpy per mole of the substance. Molar enthalpy क्या है? एक मोल सबस्टेंस अगर आप ले लो, उसकी टोटल एंथैल्पी कितनी होगी? वो कहलाती है मोलर एंथैल्पी. सो मोलर एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी अपर मोल, एंथैल्पी पर मोल इज इक्वल टू मोलर एंथैल्पी. अब एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव. और मोल, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्या है? एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिव. सो जो मोलर एंथैल्पी होगी वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. एंथैल्पी, एंथैल्पी एक एनर्जी की फॉर्म है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लेकिन जब हम मोलर एंथैल्पी की बात करेंगे, मोलर एंथैल्पी इज द एंथैल्पी पर मोल ऑफ द सबस्टेंस, दैट इज एंथैल्पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स. एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव. नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, दैट इज इंटेंसिव. दैट मींस मोलर एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लाइकवाइज अगर मैं यहां पे ले लेता हूं मोलर एंट्रोपी. मोलर एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी? फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड व्हाट इज दैट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. I am taking here molar entropy. What is molar entropy? Entropy per mole of the substance. Molar entropy is equal to entropy per mole of the substance. What is entropy itself? It is an extensive property. What is number of moles? Extensive property. Extensive upon extensive, that is intensive property. That means molar entropy is an intensive property. So agar aapse pucha jaye, what is enthalpy? Extensive. What is molar entropy? Intensive. What is enthalpy? Extensive. What is molar enthalpy? Intensive. What is Gibbs free energy? Extensive. What is molar Gibbs free energy? That will be intensive. What is internal energy? Form of energy? Extensive. What is molar internal energy? That will be intensive. Because that will be internal energy per mole. Internal energy, extensive. Per mole, number of moles, extensive. Extensive upon extensive, that will be intensive. So how, hope आपको यहां पे ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं. और फिर हमने बाद में एग्जांपल्स दे दी. और आपके एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? आपके एग्जाम्स में आपको कभी कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में. आपको दो चार प्रॉपर्टीज दी गई होगी, जैसे आपको दिया हो गया होगा एंट्रोपी,
एंथालपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी, चार प्रॉपर्टीज दी गई है। और आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली सुपेसिफिक हीट कैपेसिटी। या अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा गया ऐसे, फॉर एग्जांपल आपको मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, आपको दिया गया है साथ में दिया गया है आपको हीट कैपेसिटी, और एक चीज आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, विच अमंग द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स में से कोई दिया गया होगा। या क्वेश्चन पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली द कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स सारे रिप्रेजेंट क्या करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक इजी लेक्चर था जिसमें आपने समझा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है, सिस्टम में कितना अमाउंट लिया गया है, ज्यादा लिया गया है, कम लिया गया है, उस पर डिपेंड करती है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, यूजुअली वो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है यूजुअली कॉन्स्टेंट टर्म्स वो होती है, वो बड़े सिस्टम और छोटे सिस्टम के लिए उनका वैल्यू जो है वो सेम होता है। With this, we are completing the second lecture on thermodynamics. Inshallah, हम next lecture में state functions के बारे में पढ़ेंगे, या state variables हम उनको कहते हैं, वो हम next lecture में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। Till then, take care of yourself and खुदा हाफिज़।